नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, TET, PET, PRT वाला जो आगे दिसंबर 2024 में जो होने वाला है, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो हरियाणा GK से क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के अलावा अगर आप HSC का अन्य भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि HSC के द्वारा जो है हर रोज़ जो है अलग अलग पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है वो दिया जा रहा है, तो उनके लिए भी जो यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य का लगभग कितना क्षेत्र वन्य जीव संरक्षित एरिया के अंतर्गत आता है, 2000, 3000, 2700 या 3300 हेक्टेयर, तो कितना क्षेत्र है जो वन्यजीव संरक्षित एरिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी वाला, अर्थात जो 33,000 जो हेक्टेयर क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत माना गया है। और हरियाणा राज्य में जो पक्षियों की जो है लगभग 500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सुल्तानपुर पक्षी विहार से, हरियाणा राज्य के किस जिले में है, गुड़गांव, पंचकुला, रोहतक या फरीदाबाद में, सुल्तानपुर पक्षी विहार। और इसमें हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो कहाँ पर है, गुड़गांव में। और राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें, दो राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुड़गांव में है और 142.52 हेक्टेयर जो क्षेत्र इसमें फैला हुआ है। और इसकी जो स्थापना है मान जो ये वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली, तो इन्होंने पक्षी विहार के रूप में की थी और इसे ही फिर अब सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है। और इस उद्यान में लगभग 250 जो पक्षियों की प्रजातियाँ देखी जाती हैं, जिसमें साइबेरियन जो सार्स है ये प्रमुख है। और दूसरा जो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये यमुनानगर में है और लाल जो जंगली मुर्गी हैं उनके लिए इसे जाना जाता है। और 4682.32 हेक्टेयर क्षेत्र जो इसमें ये फैला हुआ है और 2003 जो है इसमें इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। नेक्स्ट आ जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, आगा खां पक्षी विहार, मुश्ताक, डॉक्टर सलीम अली, या इनमें से कोई सा भी नहीं, तो जो ऑप्शन बी में है सलीम अली पक्षी विहार के नाम से। इसके बाद है सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना हुई थी 1970, 72, 71, 74 में, तो इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला है हमारा, तो ये वर्ष 1971 जो है इसमें हुई थी, तो 2 अप्रैल 1971 में पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सुल्तानपुर पक्षी जो झील है इसको पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला था। फिर और 1991 में वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है राज्य के किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, हिसार, सोनीपत, यमुनानगर या कुरुक्षेत्र में, तो कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है और लाल जो जंगली मुर्गियाँ उनके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक कलेसर मंदिर है जिसके नाम से जिसका नाम ये कलेसर उद्यान पड़ा था और सबसे बड़ा जो है यहाँ पर ये उद्यान भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद क्वेश्चन है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, तो जो ऑप्शन बी में है राजस्थान। नेक्स्ट है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, 2001, 2003, 2005 या 2007 में, तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था इसे और यह मिला था वर्ष 2003 में, दिसंबर 2003 में। इसके बाद आ जाता है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी या फरीदाबाद से, तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। और इसमें जो हमारा सिलसिला रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो भिंडावास का प्रवास ये झज्जर में है। अब हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो ये 8 हैं, जिसमें भिंडावास, छिलछिला, बीर सिकारगढ़, नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य, अबूब शहर, खपरावास, कलेसर, खोल ही रहता, तो ये भिंडावास, खपरावास जो है ये झज्जर में है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है,
बीएससी कारगढ़ ये पंचकुला के कालका में है। नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य ये रेवाड़ी में है। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य ये सिरसा में है और कलेसर ये यमुनगर में है। खोलही रैतान ये पंचकुला में है। इसके बाद आ जाता है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा जीव नहीं देखा जा सकता है। भूरे लाल लाल जंगली मुर्गी या किंगफिशर कौन सा जीव नहीं देखा जा सकता है। कौन सा जो ऑप्शन ए में है लाल जंगली मुर्गी, तो लाल जंगली मुर्गी जो है ये कलेसर में है। इसके बाद है भारत सरकार ने किस वर्ष भिंडावास को पक्षी अभयारण्य की मान्यता प्रदान की थी। 2006, 8, 9 या फिर 11 में। तो भिंडावास को पक्षी अभयारण्य की मान्यता मिली थी कब मिली थी, तो ये मिली थी वर्ष 2009 में। और यहाँ पर भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल और किंगफिशर इस ये पक्षी जैन के लिए जाना जाता है। और 1986 जो है इसमें ये पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित हुआ था। फिर भारत सरकार ने 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में इसे मान्यता दी थी। और पक्षियों के लगभग 250 जो प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य ये कौन से ज़िले में है। कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत या गुड़गांव में छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। और यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन है ए वाला, तो कहाँ पर है ये कुरुक्षेत्र में है। और 28.92 जो हेक्टेयर है इसमें फैला हुआ है। और इसकी जो स्थापना जो है वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना नवंबर में हुई थी, नवंबर 1986 में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। और यहाँ पर बत्तखें, बगुले, स्टार्क्स इस प्रकार के जो पक्षियाँ हैं ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य इनमें कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया इनमें, तो ये नारसिंह, अबूब शहर, खापड़ा या छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इनमें देखें तो ऑप्शन जारी को यहाँ पर माना गया है, तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य जो कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है बीरसी कारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये स्थित है करनाल, सिरसा, हिसार या पंचकुला में। बीरसी कारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसमें जो हमारा सिरसा रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो कहाँ पर है ये पंचकुला में है। पंचकुला जिले के कालका तहसील के स्थित के अंतर्गत आता है ये। और इसकी जो स्थापना है 29 मई को हुई थी, 29 मई 1967 को, 29 मई और 1987, तो 29 मई 1987। और 767.30 जो हेक्टेयर क्षेत्र उसमें फैला हुआ है। यहाँ पर सांभर, चीतल, नीलगाय ये जो जीव जंतु हैं ये पाए जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 83, 87, 85 या 80 में, तो यह हुई थी वर्ष 1987 में। नेक्स्ट आ जाता है नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है। रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ या नूंह। नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य तो कहाँ पर है ये रेवाड़ी में है। और 211.35 जो हेक्टेयर क्षेत्र उसमें फैला हुआ है। और प्राचीन समय में जो अभयारण्य दुजना के नवाब थे इनका चरगाह था, फिर 1987 में इसे अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्राचीन समय में दुजना के नवाब का चरगाह था। भिंडावास, नारसिंह, छिलछिला या अबू शहर, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है तो नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य था। और 2009 अर्थात जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र इसे घोषित किया गया था। इसके बाद है नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। 2007, 2011, 2009 या 2013, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी हमारा, तो कब था ये वर्ष 2009 में अर्थात जून 2009 में। नेक्स्ट आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है। अबूब शहर, खपड़ावास, कलेसर या खोलही रैतान वन्यजीव अभयारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, तो इनमें देखें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, जो कहाँ पर है सिरसा में है, सिरसा में। और 11,530.56 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है।
और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 30 जनवरी 1987 में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है इसकी स्थापना का 85, 87, 86 या 1988, और यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी वाला 1987 30 जनवरी 1987। इसके बाद है राज्य का कौन सा अभयारण्य पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है? नारसिंह वन्यजीव अभयारण्य, खपड़ावास, सिलसिला, एकलेसर। तो कौन सा अभयारण्य पर्यावरण और प्रदूषण के दृष्टिकोण से संवेदनशील है? कौन सा है जो ऑप्शन सी में दिया गया है? तो खपड़ावास है। खपड़ावास कहाँ पर है? ये झज्जर में है। 82.70 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी जो स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी। और पर्यावरण और प्रदूषण इसके दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद है क्लेसर वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1994, 1996, 1998, 2000 में, और इसका जो संबंध है ये माना गया है वर्ष 1996 से। वह स्थापित तो हुआ था ये 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1996 इसको स्थापित हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में बेस चिकारगढ़ अभयारण्य के समीप में है? कलेसर, छिलचिला, कोलेरतान या सरस्वती। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ जो आप ये जो पंचकुला वाला क्षेत्र जो यहाँ पर है, और शिवालिक की पहाड़ी से संबंधित क्वेश्चन अगर आपने नहीं अभी तक पढ़े हैं तो ये आपको हमारी पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन तो इनमें से आता ही आता है। तो शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में बीर शिकारगढ़ अभयारण्य के समीप में स्थित है। तो कौन सा है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है? तो यह खोल ही रहता पंचकुला में है। स्थापना की बात करें तो 13 दिसंबर 1996 को हुई थी। और यहाँ पर जो जीव जंतुओं की बात करें तो चीतल, धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, भूरा तीतर, भालू, सियार, जंगली बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का, मिलान करना जो है इसमें देख लेते हैं हम कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला जहाँ यहाँ पर बनेगा। तो इसमें देख लेते हैं जैसे ये अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य जींद में। भिंडावास, कपरावास, झज्जर में। कलेसर, यमुनानगर में। वैसे जाए मिलान हो जाएगा। इसके बाद है इनमें कितने वन्यजीव संरक्षित रिजर्व हैं? 2, 3, 4 या 5 कितने हैं वन्यजीव संरक्षित रिजर्व? तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए में है तो वन्यजीव संरक्षित जाए यहाँ पर ये 2 इसमें माने गए हैं, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य और बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य। तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र में है और राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। स्थापना इसकी 2007 में हुई थी और सोनसर जंगल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य ये जींद में है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। तो 2 है। इसके बाद है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? हिसार, सिरसा, कैथल या पलवल में? तो कहाँ पर है ये? और ये कैथल में है। इसके बाद आ जाता है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का किस नाम से जाना जाता है? सोनसर वन, भूर संयाद, कलेसर या भीर शिकारगढ़। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है सोनसर वन के नाम से। नेक्स्ट है बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य ये किस जिले में है? हिसार, जींद, सिरसा या पलवल में? बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये जींद में है। इसके बाद है हिरण उद्यान राज्य के किस जिले में है? हिसार, रोहतक, कैथल या जींद में? हिरण उद्यान। और हिरण उद्यान की अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर सेंसर है ऑप्शन सी। तो कहाँ पर है ये? रोहतक जो है वहाँ पर है, सॉरी ये जो हिरण की बात है यहाँ पर, तो हिरण जाइए हिसार में है। तो हिसार जो है हिसार में है, धासु रोड जो है वहाँ पर है। स्थापना इसकी 1971 जो है इसमें हुई थी।
नेक्स्ट आ जाता है बसंत सौर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो ये पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या अम्बाला कहाँ पर है, और ये कहाँ पर है? तो यमुनानगर जो है, यमुनानगर में है, और इसमें जो ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हिसार में है, स्थापना हुई थी इसकी 1982, 86, 85, 88 में, और स्थापना की बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा, तो वर्ष 1986 में। और कंप्लीट डेट की अगर हम बात करें तो 7 जनवरी थी, 7 जनवरी और 1986, और फिर 1989 में राजस्थान के बीकानेर में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र के उप परिसर की स्थापना भी की गई थी। वैसे तो ये घोड़े, घोड़ा का जो है ये घोड़ा हो गया, और ये भेड़ भैंस, इनके प्रजनन केंद्र ये हिसार में ही है। इसके बाद है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर है, और कहाँ पर है ये पिंजौर में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है, तो ये जैकैरो भिवानी में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे चिंकारा तो भिवानी कारू में हो गया, गिद्ध संरक्षण पंचकुला पिंजौर में हो गया, मगरमच्छ कुरुक्षेत्र में है, बोर सैदान स्थान वहाँ पर है, फिश एंड प्रजनन केंद्र पंचकुला मौनी में है, मयूर एंड चिंकारा प्रजनन केंद्र ये रेवाड़ी झाबुआ में है, रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र पंचकुला पिंजौर में है, काला तितर प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र पीपड़ी में है, और ये आसव भेड़ और भैंस ये इनके हिसार में है, ऊँट का सिरसा में है, और सुअर प्रजनन केंद्र ये हिसार में है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये मिलान करने का है, और इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी वाला हमारा हो जाएगा। जैसे फिश एंड प्रजनन केंद्र तो ये हो जाएगा कहाँ पर है, मौनी में है, और रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा, पिंजौर में, मगरमच्छ भोर सैदान कुरुक्षेत्र में, चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में, तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। इसके बाद है राज्य में कितने चिड़ियाघर स्थित हैं, 2, 3, 5 या 7 चिड़ियाघर कितने हैं, और 3 चिड़ियाघर हैं, कितने हैं, 3 हैं, एक तो छोटा चिड़ियाघर भिवानी में है, पीपली चिड़ियाघर और रोहतक चिड़ियाघर, ये 3 हैं। छोटा चिड़ियाघर में किस वर्ष बालू पार्क की स्थापना की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की बात करें तो ये हुई थी वर्ष 1983 में, 7 एकड़ जो इसमें फैला हुआ है, और 5 सितंबर 1983 स्थापना हुई थी, 5 सितंबर 1983। इसके बाद राज्य का कौन सा चिड़ियाघर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के निकट है, छोटा चिड़ियाघर, पीपली, रोहतक या कोई सा भी नहीं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है इसके निकट है, कौन सा, पीपली चिड़ियाघर। इसके बाद है रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, और यह हुई थी वर्ष 1985-86 में। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर हमारे जो अन्य सब्जेक्ट जो है इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वे जो आ जाते हैं, और जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर से रहेगा, और करेक्ट ऑप्शन जो है आपने यहाँ पर इसमें बताना है। हिज विश इज टेंटमेस ए कमांड, तो इसका सही आंसर बताना है यहाँ पर क्या आएगा इसमें, विद ऑफ टू या फिर फॉर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है सी आंसर ऑप्शन बनेगा सी वाला, तो टू जो है उसका प्रयोग यहाँ पर होगा, उसकी इच्छा ही तात्कालिक आदेश है, तो टू जो है इसका प्रयोग होगा यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है सेंटेंस इज करेक्ट, अब एक सही है, आई एम बोर्न इन, एट, वाज बोर्न इन या वाज बोर्न एट, तो मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, अब कौन सा बनेगा इसका, मेरा जन्म भारत में हुआ है, मेरा जन्म भारत में हुआ था, मेरा जन्म भारत में हुआ था,
कौन से वाला सही होना चाहिए? आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, कि मेरा जन्म भारत में हुआ था। इसके बाद है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें सही कौन सा वाला है? मैनी ए मैन वॉन्ट्स टू बी रिच ऑल नाइट, मैनी ए मैन वॉन्ट टू बी रिच ऑल नाइट, मैनी ए मैन वॉन्टेड टू रिच ऑल नाइट, या नन ऑफ दिस। अब इसमें भी देखें तो कौन से वाला सही है? सही जो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर माना गया है, बहुत से लोग जाओ रात रात अमीर बनना चाहते हैं, मैनी ए मैन वॉन्ट्स टू बी रिच ऑल नाइट। इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस एक नहीं है, कौन से वाला है? तो इसमें भी अगर देखें तो जो ऑप्शन सी में है, माई अंकल सिक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू, तो इसी को जो है यहाँ पर माना गया है, मेरे चाचा आपसे जो मिलने का समय चाहते हैं, तो यही जो है यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आ जाता है चेंज द वॉइस, न्यूज प्लेस्ड हिम, कौन सा वाला बनेगा इसका? ही वॉज प्लेस्ड यहाँ पर बाय है, विद, टू, या कोई सा भी नहीं, तो कौन से वाला जो इसका होना चाहिए? अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला, ही वॉज प्लेस्ड विद द न्यूज। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला, यहाँ पर क्या है इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास, तो ये जो है इनके बारे में बताना है। आई फाउंड ए लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, तो ये एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है, या कोई सा भी नहीं है, नाउन क्लॉज है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज है, उसका उदाहरण है आई फाउंड एट लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, तो इसी को जो है यहाँ पर माना गया है। तो क्या है? एडवर्ब क्लोज है, क्रिया विशेषण। अंततः मुझे वह पुस्तक तब मिली जब मैं सारी जो अपनी आशाएं हैं इच्छाएं खो चुका था, आई हैड लॉस्ट ऑल होप। इसके बाद आ जाता है चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडियम, डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, हमेशा छेद मत ढूंढो निकालो, डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? अब इसका जो यहाँ पर अर्थ है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, क्रिटिसाइज जाए यहाँ पर इसका मतलब दिया गया है, आलोचना करने से, हमेशा दूसरे की गलतियाँ मत देखो, डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स। नेक्स्ट आ जाता है चूज द करेक्ट आइडियम फॉर द एक्सप्लेनेशन की, तो जैसे मारे लोग होते हैं हिंदी में होती है तो वैसी है, प्लीज़ रिक्वेट, इसका मतलब क्या है? कृपया शांत रहें, प्लीज़ रिक्वेट का मतलब है कृपया शांत रहें, तो इसके लिए कौन सा प्रयोग में आएगा? ऑप्शन डी वाला, होल्ड योर टंग, अपनी जो जुबान है उस पर काबू रखें, होल्ड योर टंग या प्लीज़ रिक्वेट। इसके बाद है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं जैसे, तो एन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, एक ऐसा ऑफिस जहाँ पर सैलरी तो बढ़िया है लेकिन काम कम है या नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा सिंसियर, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका विपरीतार्थक, एंटोनिम्स बताना है। अब विपरीतार्थक की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा वाला बनेगा? तो विपरीतार्थक का ऑप्शन बी वाला है यहाँ पर, तो ये कहा गया है इसको पीसफुल, मतलब इसको कह देते हैं शांतिपूर्ण वाला। इसके बाद आ जाता है इसका जो सैनोमिस है समानार्थक, तो इसका समानार्थक कौन सा है? और समानार्थक को अगर हम देखें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला, स्किलफुल जो है इसको कहा जाएगा,
कुशल कह देते हैं जिसको, क्योंकि कनिंग चलाक को कह देते हैं, और ये विलियस ये उसको कह देते हैं खलनायक को, और ये विकल होता है दुष्ट व्यक्ति। तो इसका समानार्थक बताना था तो ये स्केलफुल है, कुशल। इसके बाद आ जाता है फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग ब्रैक स्पीच। आई नो दिस एरिया बिकॉज आई यूज टू लिव हेयर, ही इनफॉर्म। तो इसमें देखें तो कौन से वाला यहाँ पर सही रहेगा। मैं इस क्षेत्र को जानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता था, उन्होंने बताया। अब जब हम इसे हल करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो ही इन्फॉर्म्ड दैट, क्योंकि ये ही कैन साथ चेंज हो जाएगा, और नो न्यू दैट एरिया बिकॉज ही यूज टू लिव हेयर का देयर में चेंज हो जाएगा। तो यही जो इसका बन जाएगा, उसने बताया कि वह उस क्षेत्र को जानता है क्योंकि वह वहाँ रहता था। इसके बाद है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू वाला है, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में है, तो कौन से वाला है। आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, बीन लर्निंग इंग्लिश। अब इसमें अगर हम देखें तो आई एन जी लगा हुआ है, मतलब कंटिन्यू वाली बात है, ये तो होने से रहे। अब हाउ लॉन्ग हैव यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, तो इसे आप समझ जाएंगे तो एकदम से कि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसका उदाहरण है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, क्योंकि हैव लगा है, हैव बीन लर्निंग। इसके बाद आ जाता है करेक्ट स्पेलिंग, अब इसकी जो सही स्पेलिंग है इसमें कौन सी वाली है। सही स्पेलिंग जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाली है, आर एच वाई टी एच एम। इसके बाद जो नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, तो यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब जो है ये आपने बताना है, इट इज नॉट इजी टू चिल्ड्रंस नाउ ए डे, तो इसका बताना है अब आपने यहाँ पर क्या मतलब है, और इसका जो अर्थ है ऑप्शन बी से है, ब्रिंग अप, इट इज नॉट इजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रंस नाउ ए डे, तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये इसका बनेगा। तो ये तो हमारे जो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो मात्रात्मक योग्यता के जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं, और जिसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि पाँच घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकेंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। तो इनका हमने लघुत्तम ले लेना है, लघुत्तम आ जाएगा इनका 504, तो इसलिए वे घंटे फिर एक साथ 504 सेकेंड के बाद बजेंगे, लघुत्तम ले लेना कैल्शियम। इसके बाद आ जाता है मान का क्वेश्चन, मान ज्ञात करना है, अब मान ज्ञात करने में इसका बनेगा ऑप्शन सी वाला 12.4। इसके बाद है ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इनका भी वैसे एलसीएम वगैरह लेकर जो है जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा 12 दिन। इसके बाद है एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंबे वृत्ताकार शंकु में डाला जाता है जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा 4:1। इसके बाद है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है,
यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या रहेगा? तो कितना रहेगा? तो यह रहेगा 30% का। नेक्स्ट है, यदि एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, और यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी होगी? 1125। इसमें ऐसे हो जाएगा 125 गुणा में 9, तो ये आ जाएगी 1125। इसके बाद है, यदि ए बराबर बी का 2/3, बी बराबर सी का 4/5, तो ए बी सी क्या होगा? तो ए बी सी कितना होगा? तो इसमें अगर हम इसे देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8, 12 और 15। नेक्स्ट है, 9 पूर्ण अंकों का औसत है 11, परंतु गणना करने के बाद देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूल अंक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? तो नया औसत बताना है। तो यहाँ पर 9 पूर्ण अंकों का औसत 11, परंतु गणना करने के बाद देखा गया कि भूलवश गणना करते समय 23 को 32 लिखा गया, तो नया औसत क्या होगा? ये हो जाएगा 11 × 9 माइनस 32 और 23, बटे में हो जाएगा 9। तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 90/9 मतलब 10। इसके बाद है, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या होगी। तो यहाँ पर भी दोनों विषयों में फेल लड़कों का प्रतिशत निकालना है, तो इसके लिए जैसे 100 माइनस में 85 प्लस में 80, 85, 80 और 75 ये निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस में 90%, अर्थात कितना आ जाएगा? 10। तो माना परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या x, और तो x का 10%, x का 10% बराबर 45, तो ये हो जाएगा x गुणा में 10/100 बराबर 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 450। इसके बाद दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 जोड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि कितनी है? तो ये हो जाएगी 2000 रुपये। इसके बाद आ जाता है रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है? तो इसका जो संबंध क्या बनेगा? तो ई का ए से संबंध पूछा गया है, तो ई का ए से क्या संबंध होगा? ये भतीजी होगी इसकी। नेक्स्ट आ जाता है, एक 31 विद्यार्थी की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 31, और इसमें से 17 कम कर लेंगे, साथ में एक जो कैंडिडेट है वही जोड़ देंगे हम, तो कौन कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा ये 15। इसके बाद है, एक विशेष प्रकार से एसटीएजी शब्द को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, फोन को ऐसे लिखा जा सकता है, तो नोट को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या है, जैसे एसटीएजी है और इसका एच जी जेड और टी जो यहाँ पर आए हैं, तो एस जैसे अल्फाबेट में 19वें नंबर पर है, टी 20वें पर है, ए पहले पर है और जी 7वें नंबर पर है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनका भी क्रम है, ये 19वें नंबर है,
बीस पहला और सातवां, मतलब जैसे पहले से है ये लास्ट वाला पहला है पीछे से, तो इस प्रकार से है सेम ये कोड फिर यहाँ पर चलेगा इसमें। तो जब इसे हम यहाँ पर इसके अंतर्गत रखेंगे तो ऑप्शन जे बी वाला इसका बनेगा। इसके बाद है यदि बीते कल से पहला दिन, बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? तो बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार, तो आज का दिन क्या है? आज का दिन शनिवार। तो आने वाला कल क्या होगा? आने वाला कल तो ये हो जाएगा रविवार। इसके बाद है राजू के समक्ष उत्तर दिशा है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाईं मुड़ता है और फिर 15 मीटर, वह दाईं मुड़कर 50 मीटर चलता है, अंत में दाईं मुड़कर चलता है, किस दिशा की ओर वह जा रहा है? तो जैसे यहाँ पर खड़ा है और उत्तर दिशा की साइड में है क्योंकि यह है उत्तर दिशा ये, अब वह 30 मीटर आगे चलकर अब क्या है यहाँ से चल दिया और 30 मीटर जाए यहाँ पर चला, अब बाएं मुड़ जाता है 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ जाता है, अब राइट, ये उसका राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, तो बाएं साइड में उसे मुड़ना है मतलब लेफ्ट साइड में यहाँ पर, और यहाँ पर चला वो 15 मीटर, अब वह दाएं मुड़ता है, अब यहाँ पर हो गया ये इधर लेफ्ट हो गया इधर राइट हो गया, दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, यहाँ पर चल दिया 50 50 चल दिया, अंत में दाएं मुड़ जाता है, अब उसका राइट हैंड यही है यहाँ पर मुड़ जाता है, यहाँ पर मुड़ जाता है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब कौन सी दिशा है इस साइड में, ये वाली कौन सी दिशा है ये वाली, क्योंकि यहाँ से चला था वो, ये यहाँ से चला था यहाँ से उत्तर की साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अगर ऐसे देखें हम तो ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, अब इस साइड में देख सकते हैं कौन सी साइड है ये, और इसमें अगर हम अब देखें तो कौन सी दिशा है, तो पूर्व की साइड में ये दिशा है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, पी है एम के दाईं ओर और ओ के दाहिनी ओर, आर बैठी है आर एन के बाईं ओर परंतु ओ के दाहिनी ओर बैठी है, तो बीच में कौन है? तो बीच में जो आपने बताना है, तो इनका बैठने का जो क्रम है एम पी ओ आर और एन, इस प्रकार से इनका क्रम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले हमें जिसका फिक्स स्थान हो वो देखना होता है, तो पी है एम के दाईं ओर, पी है एम के दाईं, अब जैसे ये बैठी हुई है तो इसका राइट हैंड क्योंकि ये दायां है और ये बायां है, तो एम का दायां, एम का जो यहाँ पर दायां है ये बनेगा, तो एम के दाईं से आएंगे और ओ के दाहिनी ओर, ओ के दाहिनी ओर है और आर बैठी है, आर एन के बाईं ओर, आर एन के बाईं ओर और इसके दाईं ओर ये होगा परंतु ओ के दाहिनी ओर बैठी है, तो ये वाला क्रम है। अब इसमें से बीच में देखना था हमने, तो बीच में आप देख सकते हैं कौन है, ये वाला है बीच में, तो ओ जा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते, 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 17 फुटबॉल, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? तो कितने खेलेंगे इसमें, और ये खेलेंगे 7। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए विकल्प में से जो लुप्त संख्या वो आपने बतानी है, यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा क्रम चला हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें तो 5 6 30 और इसमें से 7 कम किए गए हैं 23 आ गया, 5 चौके 20 में से 6 कम किए 14 आ गई, 3 चौके 12 में से अगर हम 5 कम करेंगे तो 7 जाए आ जाएगा, तो ये गुणा है और ये माइनस है। इसके बाद उसे चुने जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है अलग है, तो वो कौन सी है? अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सी है, और इसमें जो ऑप्शन बनेगा बी वाला, तो ये वाली इसमें बनेगी, तो इसमें अलग बताना था, अगर देखें तो यहाँ पर मैनर है, रिस्पेक्ट है, पेरिटी है,
तो ये जो है इसको छोड़कर ये सभी जो है मनुष्य जाओ से संबंधित हैं, इसको छोड़कर बस। इसके बाद चार बच्चे पी क्यू और एस एक सीढ़ी के ऊपर हैं, पी सीढ़ी पर क्यों से ऊपर है, क्यों पी तथा आर के बीच में है, यदि एस पी से ऊपर है तो नीचे से तीसरा कौन है। तो जैसे एक सीढ़ी होती है तो इस प्रकार से कुछ बैठे हुए हैं ये, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार के कुछ बैठे हुए हैं आर क्यू पी और एस, तो इस प्रकार की कुछ सीढ़ी है। तो यहाँ पर बताना है नीचे से तीसरा, नीचे से तीसरे नंबर पर इनमें कौन है। अब नीचे से तीसरे के अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे कौन सा है, यहाँ पर ये वाला है, तो यही सेंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।